हेलो फ्रेंड वेलकम टू फेयरलेस वर्ल्ड और आज हम लोग निबोस आईजीसी जी वन क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि सर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिए जिससे कि नॉलेज मिल पाए और किस टेक्निक से आंसर दिया जाए ताकि जो है मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर किया जाए तो आइए देर ना करते हुए निबोस आई जी एलिमेंट वन का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं तो इससे पहला क्वेश्चन है डिफाइन हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर तो इसको कैसे डिफिनेशन आप लिखेंगे वहां पे तो उसके बारे में हम यहां जाने तो सबसे पहले जो है वो है हमारा हेल्थ यानी कि हेल्थ क्या है health, तो health जो है हेल्थ 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 तो जो कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एबसेंस ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज आपको सिंपल में इतना ही लिखना है हेल्थ जो है वो ये डिफाइन किया गया है जिसमें सिंपली एब्सेंस ऑफ फिजिकल साइकोलॉजिकल डिजीज ये चीज उसमें होना है और दूसरा जो क्वेश्चन है सेफ्टी तो व्हाट इज सेफ्टी तो सेफ्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजुरी और स्टेट वेयर द रिक्स ऑफ हार्म हैज़ बीन एलिमिनेटेड और रिड्यूज टू एनएक्सेप्टेबल लेवल तो ऐसे आपको रिप्लाई देने हैं और ये जो लास्ट है वेलफेयर किसे कहते हैं डिफाइन वेलफेयर तो आपको डिफिनेशन तो जनरली फिक्स ही है और आपको एज ए निबोस जैसे बताता है वैसे आपको डिफिनेशन भी परफेक्ट याद होने चाहिए तो ये जो है डिफिनेशन है आपको कि वेलफेयर मीन्स एक्सेस टू बेसिक फैसेलिटीज़ यही आपको याद होना चाहिए तो किस तरह का बेसिक फैसिलिटी एग्जाम्पल है यहाँ पे सचेज टॉयलेट वॉशिंग स्टेशन ड्रिंकिंग वाटर चेंजिंग रूम और आप एंड प्लेस तो ये है टू प्रिपेयर एंड और इट फूड एंड ड्रिंक तो ये हुआ तीनों का डिफिनेशन उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राइट द थ्री रीजन वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थ्री रीजन है थ्री रीजन तो आपको इसका रिप्लाई इस तरह देना है द थ्री रीजन वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी आर पहला मोरल दूसरा फाइनेंशियल और तीसरा थर्ड लीगल रीजंस तो ये आपका परफेक्ट रिप्लाई होता है जिससे कि आपको पूरा पूरा नंबर आप पा सकते हैं थर्ड क्वेश्चन गिव थ्री इंश्योर्ड कॉस्ट एंड थ्री अन इंश्योर्ड कॉस्ट दैट माइड एराइज फ्रॉम ए वर्क प्लेस एक्सीडेंट तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे तो जैसे कि इसमें दिया गया है यहां पे आप देख पा रहे हैं तो ये जो है पहला आपका इंस्योर्ड कॉस्ट और उसके बाद जो है इंस्योर्ड कॉस्ट कौन कौन सा है देखिए डैमेज टू प्लान बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कम्पनसेसन पेड टू वर्कर्स मेडिकल कॉस्ट लीगल कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम द क्लेम फॉर द कम्पेंसेसन और अन इंश्योर्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है तो इसके भी एनी थ्री फ्रॉम द फॉलोइंग आपको देने हैं जैसे कि उसमें आ, कहा गया गिव थ्री इंश्योर्ड कॉस्ट तो आपको तीन ही देने हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिया गया है आपको इसमें से तीन ही चुनने हैं प्रोडक्शन डिले, डाउन टाइम लॉस ऑफ रॉ मटेरियल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल फाइंस सिक पे फॉर इंश्योर्ड वर्कर्स ओवर टाइम टू मेकअप फॉर लॉस प्रोडक्शन हायरिंग न्यू इम्प्लॉयज लॉस ऑफ कस्टमर्स क्लाइंट कॉन्ट तो इसमें से जो है आपको तीन चुनने हैं तो जितना क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको अगर थ्री कहा जा रहा है तो थ्री ही आपको वहाँ पे रिप्लाई देना है तो ये ध्यान रहे और जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से आपको उसका रिप्लाई देना है